हिंदू नववर्ष के अवसर पर सनातन धर्म पुरोहित महासभा द्वारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निहारिका मिश्रा के नेतृत्व में सत्य सनातन का संदेश लेकर भगवा रैली का आयोजन किया गया। ये रैली स्मृति नगर जुनवानी चौक से प्रारंभ हुई एवं शहर के विभिन्न मार्गों से होती हुई बैकुंठ धाम कैंप 2 पहुंची, जहाँ भोग वितरण के साथ इस भगवा रैली का समापन हुआ। हिंदू नववर्ष के अवसर पर सनातन धर्म पुरोहित महासभा द्वारा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष निहारिका मिश्रा के नेतृत्व में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सनातन धर्म का संदेश देने लोग सम्मिलित हुए। यह शोभा यात्रा स्मृति नगर जुनवानी चौक से शुरू होकर विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए बैकुंठ धाम कैंप 2 पहुंची, जहां शोभा यात्रा में शामिल लोगों के लिए भोग भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसे ग्रहण करने के पश्चात शोभा यात्रा का समापन हुआ। सनातन धर्म परिषद न्यास की राष्ट्रीय सचिव राजेश्वरी रेड्डी ने बताया कि सनातन धर्म पुरोहित महासभा सतत रूप से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु सक्रिय रूप से कार्य कर रही है और सनातन का प्रमुख उद्देश्य ही वासुदेव कुटुंबकम के श्लोक को चरितार्थ करता है। आइए देखें सत्य सनातन का संदेश देती इस शोभा यात्रा की कुछ खास झलकियां। आप सभी भिलाई वासियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। आज हम सब भिलाई वासी स्मृति नगर के हनुमान मंदिर के पास एकत्रित हुए हैं। यह एक शोभा यात्रा सनातन धर्म के बैनर तले, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण मिश्रा जी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती निहारिका मिश्रा जी के नेतृत्व में यह शोभा यात्रा को पूरे वार्डों में भ्रमण करते हुए हम इसका समापन बैकुंठ धाम मंदिर के पास समापन करेंगे, जहां पे भोग वितरण भी होगा। यह शोभा यात्रा 4-व्हीलर और 2-व्हीलर के साथ में महिला पुरुष पुरोहितों के साथ में सब मिलकर भव्य रूप से एक रूप देकर समाज को एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं सनातन धर्म के लिए।